हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फिर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और वह है भारत की नदियाँ। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और आपको अंत में टोटल 33 क्वेश्चन जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्वीज मैं करवाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं। पहला यहां पे है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा। और गंगा जो है यह भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। इसके मुख्य धारा भागीरथी जो है यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है और यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहीं से यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी की जो सम्मिलित धारा है जो कि देवप्रयाग उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं, तो यहीं से इसका नाम गंगा पड़ा है। यह टोटल इसकी जो लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो इसकी संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ओके। 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हाँ, और एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ पे किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो यह है गोदावरी। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि गोदावरी को है सो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ओके। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन रहे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो वह है कावेरी, ओके। कंफ्यूज नहीं करना है आपको, दक्षिण गंगा गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है, तो इसका आंसर है त्र्यंबक गांव। सारे पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा कि ये सवाल कब पूछे गए हैं, कौन से एग्जाम में, और ये रिपीट होते रहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरवन की डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी बनाती है और सुंदरवन का जो डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो यह है दामोदर नदी, ओके। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो यह है कोसी नदी को बोला जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, तो यह है कोसी नदी ही है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, विख्यात है इसके लिए। कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है, तो यह भी इसका आंसर भी है कोसी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी, तो इसका भी आंसर है कोसी। कोसी प्रारंभ में है सो पहले अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है, तो ओडिशा का शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को, ये तीनों आप याद रखिएगा। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो यह है गोदावरी की सहायक नदी। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, यह है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है यह महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से है, ओके। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसका कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी जो है यह सो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, तो इसका आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। नेक्स्ट देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सारे को याद कर लीजिएगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो कावेरी नदी जो है यह सो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, तो यह भी काफी बार पूछा गया है, तो यह है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है सो यह विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, और अगर रहता सवाल दक्षिण गंगा, तो वह सो गोदावरी को बोला जाता है, या वृद्ध गंगा भी गोदावरी को ही बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है,
तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यशो कहाँ से निकलती है, तो यशो तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वतमाला के स्थित है सो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ओके, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका भी जो उद्गम स्थल है यशो कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के पास से ही है। ओके, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और देखिए सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो यह भी ऐसो मानसरोवर झील के निकट से ही, यह भी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्कस ताल से यह भी निकलती है यहीं से। यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज ये तीनों ऐसो मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह तीनों नदियाँ ऐसो हिमालय पार से आने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, तिब्बत से मतलब निकल के आती हैं तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये तीनों हिमालय पार से आने वाली नदियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, तो इसका जो आंसर है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। और यह है सो माजुली जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि नर्मदा और ताप्ती गिरती है अरब सागर में, तो नर्मदा और ताप्ती जो है यह कहाँ गिरती है, अरब सागर में। और यह सो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। ओके, और नर्मदा जो है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ताप्ती जो है यह सो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुलताई से निकलती है। सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो ये दोनों है सो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो यह है इसका आंसर हुगली नदी। नेक्स्ट देखिए कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है, तो यह है लूनी नदी। ओके, लूनी नदी, और लूनी नदी जो है यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर कच्छ के रण में जाकर समा जाती है, यानी कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट देखिए लूनी नदी गिरती है कहाँ पे, तो कच्छ के रण में गिरती है, ठीक है, कच्छ के रण में। यह सवाल भी मतलब सारे क्वेश्चन है सो बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया हो और पूछे जाते हैं यह अभी भी। भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो लवण नदी के नाम से जानी जाती है वह है लूनी नदी जो कि कच्छ के रण में गिरती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से, ठीक है। और चंबल नदी जो है यह सो चंबल, केन, बेतवा ये तीनों है सो यमुना की सहायक नदी है। छिपरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह है चंबल नदी की सहायक नदी। मानस किस नदी की सहायक नदी है, तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु नदी। ओके, आगे देखिए नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था, तो यह रखा गया था राजक सरकार के शासनकाल में। यमुना की मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं, तो यह है चंबल, केन, बेतवा, ठीक है, यहाँ पे केन छूट गया है, चंबल, केन तथा बेतवा ये तीनों ऐसो यमुना की मुख्य सहायक नदी हैं। हगरी किसकी सहायक नदी है, तो यह है तुंगभद्रा की। कोपली किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कोपली। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो यह जानी जाती है सांगपो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। हिमालय पार की नदियां हैं, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ हिमालय से बहकर आने वाली नदियां कौन कौन हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, और ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के पास से निकलकर आती हैं। इससे बहुत बार सवाल, बहुत तरह के सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है, तो यह है सो चंबल नदी का स्रोत है, ठीक है, यहीं से है सो जाना पाव पहाड़ी से ही चंबल नदी निकलती है। तवा किसकी सहायक नदी है, तो यह सहायक नदी है नर्मदा की। अब देखिए आपको यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, अब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो कहाँ पे है सिंधु नदी का, तो मानसरोवर झील। ओके, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों मानसरोवर झील के पास से ही निकल कर आती हैं। नेक्स्ट देखिए सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकल कर आती है, तो जैसा कि आपको पता है कि यह कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है, और कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में है। तो जो भी ऑप्शन में रहे, अगर कैलाश पर्वतमाला रहे तो कैलाश पर्वतमाला सही होगा, और अगर ऑप्शन में रहे मानसरोवर झील तो मानसरोवर झील सही होगा।
नेक्स्ट देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 1994 में पूछा गया, तो ऐसा नहीं कि केवल 1994 में ही पूछा गया, इसके आगे भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें यह सवाल पूछा गया। यहाँ बस मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह के सवाल, मतलब कैसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए ये सारे क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल किया हूँ। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु तो है ही, सतलज भी हैं, ब्रह्मपुत्र, यानी कि इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के पास से ही निकलकर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो कौन कौन है? जैसा कि पिछला क्वेश्चन में था, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये जो तीनों हैं ये हिमालय पार स्थित तिब्बत से है, सो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलकर आती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? इससे इतने सवाल पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये तीनों नदियां याद रखना है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों हिमालय से परे की नदियां हैं। तो यहाँ पे है कि हिमालय परे से की नदी है, तो इसका आंसर होगा सतलज नदी, यह सो हिमालय के पार से बहकर आने वाली नदियां हैं, नदी है। छठा क्वेश्चन, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ओके, 2525 किलोमीटर। और गोदावरी जो है यह सो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसका जो टोटल लंबाई है गोदावरी का वो कितना है? 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण उसका रोल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, और यह नदी कौन सी है? तो यह है सतलज नदी, जो कि हिमालय पार से बहकर आने वाली नदियां हैं, और यह सो हिमाचल प्रदेश से बहकर बहने वाली नदियां हैं, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो कोपली किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? तो कोपली जो है यह सो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन है? तो यह है गोदावरी। ओके, जो कि यह सो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव के पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर बात करें भारत का सबसे लंबी नदी, तो गंगा है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो भारत की बृहत्तम नदी या सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। क्वेश्चन नंबर 13, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? देखिए यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, आरआरबी 2003 में पूछा गया है, फिर 2008 में एसएससी का परीक्षा 2008 में पूछा गया है, फिर 2014 में, 2015 में, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम हुए हैं जहाँ पे यह पूछा गया है। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ से गंगा मतलब कहलाती है? तो यह है देवप्रयाग में, जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग या ऐसे उत्तराखंड में स्थित है यहाँ मिलती हैं, तो फिर गंगा नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, यानी कि भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो इसका जो आंसर है वह है घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी जो है यह नेपाल में तकला कोट के निकट माप्चा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा बिहार के छपरा जिला में आकर गंगा नदी में मिल जाती है, यह सो भारत से निकलने वाली नदी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर है घाघरा नदी, जो कि नेपाल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है वह है कोसी नदी। ओके, कोसी नदी है सो जिसे बिहार का सोग भी बोला जाता है, दामोदर को सो बंगाल का सोग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का सोग किसे कहा जाता है? तो बिहार का सोग किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ओके, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 19,
भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो यह है हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो यह है नर्मदा नदी, जो कि है सो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है, या भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 21, हगरी किसकी सहायक नदी है? तो हगरी किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? हगरी जो है यह सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी की। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए, केन, बेतवा, चंबल, ये तीनों ही यमुना नदी की सहायक नदी है। सोन नदी है, सो इसका आंसर होगा यह यमुना नदी में नहीं मिलती है, ठीक है। और यह जो सोन नदी है यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि यह गंगा की सहायक नदियाँ हैं, नदी है। क्वेश्चन नंबर 23, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से, ओके। और जमुना जो है यह ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है बांग्लादेश में। मेघना है, ये दोनों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को ऐसो मेघना नाम से जाना जाता है जब दोनों आपस में मिल जाती हैं। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा मेघना नाम से, ठीक है, मेघना नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन की डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह सो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो माजुली का जो निर्माण करने वाली जो नदी है, और यह है सो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैन गंगा तथा पैन गंगा जो है यह सहायक नदी किसकी है? तो यह सहायक नदी है फ्रेंड्स गोदावरी नदी की, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 28, लूनी नदी किस में गिरती है? गंगा मुहाना में, केरल का समुद्री तट में, कच्छ करण में, गोदावरी का मुहाना में। तो लूनी नदी जो है यह सो कहाँ पे किस में गिरती है? यह सो कच्छ करण में गिरती है, और यह एकमात्र अंतर्वाही नदी है, ठीक है, भूमि बंधित नदी है, यानी कि भूमि बंधित नदी। और यह नदी राजस्थान के अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बहते हुए कच्छ के रण में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 29, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका जो आंसर है वह है कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य के मध्य यह विवाद है। 30 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए है सवाल, दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है, और अगर रहता यहाँ पे दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा रहता तो इसका आंसर होता गोदावरी। गोदावरी को ही वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और यह है सो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये पर है और नहीं है, किस नदी के मुख पर है, ओके, किस नदी के मुख पर है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी के मुख पर। क्वेश्चन नंबर 32, सोन और नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से? तो सोन और नर्मदा नदी जो है यह दोनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33, और यह लास्ट क्वेश्चन होगा, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी जो है यह भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो यह सो जम्मू कश्मीर के राज्य से होकर बहती है, ठीक है, और यह सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य से ही होकर बहती है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि भारत एवं पाकिस्तान जो है सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी के अनुसार, भारत इस नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं जो चेनाब हैं, तो इसके संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच है सो सिंधु नदी जल समझौता हुआ 1960 ईस्वी में, इसके अनुसार भारत है सो सिंधु नदी तथा इसके सहायक नदी जो है झेलम चेनाब, तो इसके पूरे जो जल हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 20% ही जल का उपयोग कर सकता है।
तो फ्रेंड्स ये थे मतलब कि नदियां से संबंधित, भारत की नदियां से संबंधित क्वेश्चन जो कि विभिन्न कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन न के बराबर पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, आप ही में से किन्हीं किसी ने बोला था कि नदियाँ पे क्वेश्चन बनाइए, तो मैं आपके लिए लेकर आया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था यह आज का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका ऐसा पीडीएफ लिंक दिया हुआ है। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन होता है फ्रेंड्स, आपको वहाँ पर एक ऐसा, यहाँ पर ऐसा ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आप नहीं तो नेट में सर्च कीजिए कि वेयर इज डिस्क्रिप्शन इन यूट्यूब, तो आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन कहाँ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो आप यूट्यूब में ही सर्च करके देख लीजिए कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।